फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग देखिए तैयार हो गए हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए आपको भी घुमाने ले चलते हैं। एक्चुअली हम लोग मार्केट जा रहे हैं। मैंने सोचा कि दिवाली आने वाली है तो पहले से ही थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, जो भी ख़रीदना है हम लोगों को। तो इसीलिए आज मैंने सोचा, संडे भी है और मेरी छुट्टी भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज घूम करके थोड़ा सा आ जाएं। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। और ये देखिए, अब तो विंटर आ ही गया। देखिए स्वेटर वगैरह पहन करके तैयार है मेरी गुड़िया, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे मार्केट में और आपको घुमाते हैं हमारे इधर का मार्केट। दिन में तो शायद इतनी रौनक नहीं होगी, बट रात में शायद बहुत रौनक होती है इस टाइम दिवाली में, क्योंकि लाइट वगैरह जलती है ना। तो चलिए आपको घुमाते हैं हमारे इधर का मार्केट और कहाँ कहाँ जाते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो अभी के लिए बाय बाय। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं मॉल में, और कपड़े देखिए इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी अच्छी वैरायटी के कपड़े इस बार थे, कि क्योंकि बहुत दिनों के बाद मॉल खोल रहे हैं ना, और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं होने दे रहे हैं, तो कपड़े इतनी अच्छी क्वालिटी के दिवाली के कारण आए हुए थे। और मैं बच्चों के साथ में बच्चों को लेकर के गई थी, क्योंकि घर पर रखने वाला कोई नहीं था तो उनको ले जाना ही था। और कुर्ते वगैरह देखिए बहुत अच्छे आए हुए थे, तो इस चक्कर में मैं क्या था कि बच्चों को भी ले करके ही गई थी, क्योंकि घर पे उनको किसके पास छोड़ के जाती, और इसीलिए मैं ज़्यादा घूम भी नहीं पाई। और एक ही जगह से शॉपिंग किया हमने, और फ्रॉक बहुत अच्छी अच्छी थी, और ये वाला फ्रॉक देखिए बहुत सुंदर था। बट मेरी बेटी तो फ्रॉक पहनती नहीं है, उसको तो भैया के जैसे कपड़े चाहिए। उसके पास कई फ्रॉक्स पड़ी हैं, बट भैया जो पहनेगा वही वो पहनेगी। ये हमारे घर का प्रॉब्लम है एक, और इसीलिए दो बेटों के लिए मुझे कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये देखिए टॉप भी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे, और प्लाजो पैंट का बहुत ज़्यादा फैशन है आजकल, उनकी तो इतनी वैरायटीज़ थी बहुत सारी। तो इसी तरीके से मैंने शॉपिंग कर लिया है, और अब हम देखिए घर आ गए हैं। और हम लोग पालक लेकर के आए थे, तो सब्जी पालक को मैंने काट के अच्छे से धुलाई कर लिया है, में डाल दिया है प्याज, क्योंकि आज मैं भाजी बड़ा बनाऊंगी और रोटी सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं बची है मार्केट से आने के बाद कि रोटी सब्जी बना पाऊँ। और ये देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा, और जीरा इस तरीके से, और अब डाल दूंगी मैं इसमें नमक और हरी मिर्च और प्याज जो है मैंने उसमें डाल दिया है। और पालक ताज़ी थी तो मैंने बोला कि इसका यूज़ ही कर लिया जाए, क्योंकि रखने के बाद फिर वो ख़राब हो जाती है। और देखिए मैंने इसमें डाल दी है ये हल्दी, क्योंकि मुझे जल्दी बनने वाला खाना चाहिए बनाना था, क्योंकि जो जल्दी पल्दी बन जाए। और इसमें डाल रही हूँ मैं लाल जो सूखी वाली मिर्च होती है वो कूटी हुई, वो इससे टेस्ट जो होता है ना हमारे भाजी बड़े का बहुत अच्छा आता है। और हींग देखिए मेरा ख़त्म ही होने वाला है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चुटकी हींग, और हींग से जो होता है टेस्ट हमारा बहुत अच्छा बनता है। और एक कढ़ाई रखी दी है मैंने, क्योंकि ज़्यादा हम लोगों को टाइम नहीं लगाना है, और जल्दी बना करके और रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम तीनों लोग। और ये देखिए बेसन मैंने इसमें थाली में छान लिया है, तो अब हम इसमें बेसन डाल करके जितनी ज़रूरत के अनुसार हमें बेसन लगेगा, क्योंकि ज़्यादा बेसन नहीं डालते हैं इसमें, बस मतलब हमारा जो भाजी की वड़ा है मतलब वो बन जाए गोल गोल, उतना ही बेसन इसमें ऐड करते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें बेसन डाल करके पहले तो बिना पानी के ही मसल लूँगी, क्योंकि भाजी में बहुत ज़्यादा पानी होता है जो पालक की भाजी होती है उसमें। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इस तरीके से मैं मसलते हुए इसमें बेसन डालती जाऊँगी, और इसी तरीके से जो है इसका आटा या इसका पेस्ट जो भी बोलें आप तैयार कर लूँगी अच्छा। और बस ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें, अच्छे तरीके से भाजी को मसलना है, ताकि भाजी जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए और इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतने करकरे बनते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अच्छे से मसल लिया है, और ये देखिए अच्छे तरीके से हमारे ये बनने लगे हैं। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये बनने लगे हैं। तो अब मैं इसको रख दूँगी एक साइड में, तो 5 मिनट के बाद मैंने भाजी बड़े जो हैं बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कढ़ाई में ऑयल भी हमारा लगभग पूरी तरीके से गर्म हो चुका था। तो इस तरीके से मैं दोनों हाथों से की हेल्प से ऐसे भाजी बड़े बना लूँगी, और ये देखिए। और मैंने इनके लिए टमाटर की चटनी बनाई है, और बच्चे थोड़ा बहुत सॉस और टमाटर की चटनी से खा लेंगे। और टमाटर की चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बहुत अच्छी चटनी है वो। और इस टाइम में कोरोना के टाइम में तो बहुत अच्छी है, क्योंकि बाहर का हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट और पौष्टिक है वो। तो जा करके देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
इस तरीके से हम जो है अपने पकोड़े बना बना करके इसमें डाल देते हैं। और पकोड़े अभी तो मैंने फुल आँच कर रखा है क्योंकि पालक और ये जो ठंडी चीज़ें तेल में पड़ती हैं, अब ठंडी भी होने लगी है तो रिफाइंड जो है हमारा ठंडा हो जाता है इसीलिए। और इसको डालने के बाद में अब क्योंकि इनको बहुत देर तक थोड़ी देर तक फ्राई होने देना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग जल्दी इनको निकाल लेते हैं ना तो अंदर से कच्चे निकलते हैं, इसीलिए इस तरीके से थोड़ी देर तक फ्राई होने दें। और मैं इसको थोड़ी देर तक फ्राई होने दूंगी इनको ताकि ये कच्चे ना निकलें और बहुत अंदर तक अच्छे से पक जाएं। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई होने लगे हैं। और तेज़ आंच में रखने का रीज़न एक ये भी है कि हम इनको जल्दी जल्दी डालते जाते हैं ना तो ये आपस में चिपकते नहीं हैं। अगर हम कम आँच में इनको डालेंगे ना तो ये चिपकना स्टार्ट कर देते हैं और फिर पलटाते भी नहीं हैं। तो इसी तरीके से मैं मंदी आँच में इनको थोड़ी देर तक जो है फ्राई होने दूंगी। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं और अब फिर से मैंने आँच को बढ़ा दिया है और 5 मिनट मैंने मंदी आँच में इनको सेक लिया है और इनको थोड़ी देर तक और फ्राई होने देंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से इनको फ्राई कर लेती हूँ और ये देखिए फ्राई हो गए हैं हमारे पकोड़े, गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। आप चाहें तो थोड़ा डार्क और भी सेक सकते हैं, बल्कि ये सिक गए हैं। देखिए कितना प्यारे दिख रहे हैं पकोड़े, क्या मार्केट के होटल वाले भी नहीं देंगे इतने स्वादिष्ट पकोड़े। तो अब इनको आप चटनी और सॉस के साथ खाइएगा, अच्छे से पेट भर के खाएँगे हम लोग, आप भी आ जाइएगा। तो बन करके इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग आ गए हैं और हम लोगों ने पकोड़े बनाकर भी खा लिए हैं। मैंने सोचा कि क्या जल्दी बनेगा तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी पकोड़े बना करके खा लिए क्योंकि मार्केट जाने के बाद बहुत थक जाते हैं और फिर मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। मैंने बोला कि अब खाना नहीं बनाऊँगी क्योंकि थकने के बाद ना बहुत बिल्कुल डल हो जाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा थकावट होती है मार्केट से आने के बाद। और फिर मैं बच्चों के साथ में गई थी ना तो दोनों बच्चों के साथ में, वैसे तो वो शैतानी नहीं करते हैं बट फिर भी उन लोगों को देखना पड़ता है साथ में कि क्या कर रहे हैं, कहीं चले ना जाएं, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और फिर आज बेचारे कोरोना के टाइम में बहुत दिनों के बाद, कई महीनों के बाद जो है शॉपिंग करने के लिए गए थे तो बच्चों ने जो है अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह चूज़ किए और मैंने भी उनको कपड़े वगैरह दिलाए, कुछ सर्दी के कपड़े वगैरह दिलाए और मेरे लिए लिया मैंने कुछ। ऐसे करके हम लोगों ने शॉपिंग कर ली दिवाली के लिए, कुछ स्वीट्स में थोड़ा बहुत ले लिया, नमकीन बिस्किट ले लिया, ऐसे करके ग्रॉसरी भी जो जो चाहिए थी बच्चों ने, नमकीन बिस्किट जो जो पसंद आया सब कुछ ले लिया और थोड़ा बहुत बर्तन भी मैंने लिया। तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी बट आज के लिए बस इतना ही। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा और मैं अपनी लाइफ जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। बच्चों के साथ ज़्यादा सामान मैं कुछ नहीं ला पाई और जाना पड़ेगा मार्केट। मैं सोच रही थी कि आज ही सारा कुछ जो है ख़रीद करके ले जाऊंगी बट बच्चों के साथ में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बच्चों को जब हम अपने साथ में ले जाते हैं ना तो फिर सबसे ज़्यादा एक तो इतना ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ तक लगाने का पार्किंग में जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे लोग शॉपिंग करने के लिए मार्केट में ही आ गए हैं। और शाम के टाइम तो इतना ज़्यादा भीड़ था, हम लोग बहुत मुश्किल से मैं गाड़ी निकाल के लाई हूँ और इसीलिए क्योंकि बेटी मेरी आगे खड़ी होती है और बेटा मेरा पीछे बैठता है। और सामान मैंने ज़्यादा इसीलिए नहीं लिया भारी सामान, तो ग्रॉसरी वगैरह और जो जो मुझे लेना था वो, कि बच्चों के साथ में रिस्क नहीं लेना है और आराम से जाओ और आराम से घुमा करके ले आओ, उनका मन था इसीलिए मैं उनको ले गई थी, वरना मैं उनको लेके नहीं जाती। आप लोग भी देखते हैं कि मार्केट जब भी जाती हूँ तो मैं अकेले ही जाती हूँ, उन लोगों को लेकर के नहीं जाती हूँ क्योंकि ये कोरोना के टाइम में जितना घर मेरा हो उतना अच्छा है। और बस अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि मार्केट तो हम लोग जाते हैं तो कुछ खा नहीं पाते वहाँ पर, क्योंकि पहले ऐसा था कि जाते थे तो आराम से खा पी के बिंदास होके वापस आते थे पेट भर के, बट अब ऐसा नहीं है, अब घर पे आके खाना भी बनाना पड़ता है, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो इसीलिए आज का वीडियो बस इतना ही, तो आज के लिए बाय बाय।